डायनामिक शेड्यूलिंग। डायनामिक शेड्यूलिंग क्या है, इस पहले इसके लिमिटेशन हैं। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ द सिंपल पाइपलाइन टेक्निक इज दैट दे ऑल यूज इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशू एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो लिमिटेशन है आपकी सिंपल पाइपलाइन टेक्निक्स की, वो क्या है कि वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशूज। इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशूज़ का मतलब क्या है एंड एग्जीक्यूशन। इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशूज़ का मतलब है इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन का मतलब है इंस्ट्रक्शंस दोज आर जनरेटेड बाय द सीपीयू। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आर इशूड इन प्रोग्राम ऑर्डर एंड इफ एन इंस्ट्रक्शन इज इंस्टॉल्ड इन द पाइपलाइन नो लेटर इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसीड। ठीक है, आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं, वो प्रोग्राम में, प्रोग्राम ऑर्डर में इशूज हो रहे हैं, जो भी आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इंस्टॉल्ड अभी हमने क्या पढ़ा था, इंस्टॉल्ड हमने अभी ऊपर देखा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वन और मोर इंस्ट्रक्शंस अगर हम कर देते हैं, तो एक से ज़्यादा अगर हम इंस्टॉल उसके अंदर कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन कर देते हैं पाइपलाइन के अंदर, तो क्या होता है, कोई भी बात वाला इंस्ट्रक्शन क्या है वो प्रोसीड नहीं कर सकता। सपोज़ कर लो मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन था, पहली बात तो ये हुई कि इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, लिमिटेशन ये है। दूसरी चीज़ कि अगर मेरे प्रोग्राम के कोई भी, प्रोग्राम ऑर्डर के कोई भी इंस्ट्रक्शंस इशू हो रहे हैं, और अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टॉल्ड है पाइपलाइन के अंदर, तो जो भी मेरे बाद के इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वो मेरे प्रोसीड नहीं होंगे, उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा डायनामिक इसके अंदर। ठीक है, इन दिस वे इफ देयर इज़ अ डिपेंडेंस बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड इंस्ट्रक्शंस इन द पाइपलाइन दिस विल लीड टू हजार्ड एंड इंस्टॉल। अगर यहाँ पर किसी भी दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में कुछ डिपेंडेंसी है, ठीक है, कि या क्लोजली स्टेप स्पेस इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसी है, तो उसमें केस में क्या होगा, उसके केस में आपका जो है पाइपलाइन के अंदर क्या है, हजार्ड की प्रॉब्लम आ जाएगी, डेटा हजार्ड हो जाएगा, या यू नीड टू इंस्टॉल जो भी आपकी टेक्निक थी उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट हैं तो क्या है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो आपका फंक्शनल यूनिट्स हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही हैं पैरेलली, वो क्या होंगी, वो कहीं ना कहीं आइडल हो जाएंगी। आइडल होने का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो सीपीयू है वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है। अब बैठा क्यों रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी उसके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, और उसको इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है जिसको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या कहेगा, जाहिर सी बात है वो आइडल ही रहेगा, तो आइडल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इफ़ इंस्ट्रक्शन जे डिपेंड्स ऑन अ लॉन्ग रनिंग इंस्ट्रक्शन आई करेंटली इन एग्जीक्यूशन इन द पाइपलाइन देन ऑल इंस्ट्रक्शन आफ्टर जे मस्ट बी इंस्टॉल अंटिल आई फिनिश्ड एंड जे कैन एग्जीक्यूट। सीधी बात है, अगर सपोज कर लो मेरा आई एग्जीक्यूट हो रहा है और जो जे है वो आई के ऊपर डिपेंडेंट है, और आई जो है वो लॉन्ग एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है, तो जब तक कि जे एग्जीक्यूट नहीं होगा, जे एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई की रिक्वायरमेंट है, और जे के बाद वाले इंस्ट्रक्शन है वो तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर मैं जो आपकी पाइपलाइन है वो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर आप में वर्क करती है, जब तक कि मेरे आगे वाले बंदे को टिकट नहीं मिलेगा, मैं उसको बाहर तो निकाल नहीं सकता, मैं भी पीछे वेट करता रहूँगा। ठीक है, जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो अगर जे को एग्जीक्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पीछे वाले जो भी बंदे होंगे या जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो भी सारे वेट करते रहेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, डिवाइड डी एफ ओ एफ टू एफ फोर डिवाइड डी एफ टेन एफ ज़ीरो एफ एट एंड सबसेक्ट डी एफ ट्वेल्व एफ एट एट फोर्टीन। अब देखो ये जो डिवाइड डी है इसके अंदर एफ ज़ीरो एफ टू एफ फोर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो F0 की जो F0 कंटेंट है वो F2 F4 डिवाइड होगा, F0 में आएगा। अब ये वाला F0 किसकी इनपुट है, इस ऐड के अंदर यूज़ हो रही है। ऐड में आप F8 को और F0 को ऐड करोगे तो F10 में आप इंस्टोर कराओगे की वैल्यू। अब जब आपके पास F0 अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किसको, इसको कैसे एग्जीक्यूट कराओगे, ऐड वाले को नहीं करा सकते। ठीक है, साथ ही साथ जो मेरा F8 है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो मैं जाहिर सी बात है सबसेक्ट को भी ऐड नहीं करा सकता। तो जब तक मेरा ये डिवाइड वाला इंस्ट्रक्शन जो है सबसे टॉप वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो बाकी के मेरे ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपस में डिपेंडेंट है। देखो F2 की रिक्वायरमेंट किसको है, ऐड को है, और F8 की रिक्वायरमेंट किसको है, सबसेक्ट को है। तो जब तक F2 अवेलेबल नहीं होगा ऐड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक ऐड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो F8 की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी वजह से सबसेक्ट भी वेट करता रहेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाता है और आपके प्रोसेस को या आपके इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में डिले होता है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। अब जो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट हजार्ड्स, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, मतलब जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी ऑर्डर के अंदर वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब विच आउट ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइव स्टेज इंटीजर पाइपलाइन एंड इट्स लॉजिकल एक्सटेंशन टू एन इन ऑर्डर फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन। फाइव स्टेज कौन सी थी, मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, ऑपरेंड डिकोड और राइट बैक या ऑपरेंड स्टोर, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन ऑल्सो क्रिएट्स मेजर कॉम्प्लिकेशंस इन हैंडलिंग एक्सेप्शन। जो आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन है वो क्या है, वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है इन ऑर्डर टू हैंडलिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एक्सेप्शंस आपने कोडिंग में भी पढ़ा देखा होगा, एक्सेप्शंस होती हैं आपकी एरर्स, ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। डायनेमिक शेड्यूलिंग विद आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन मस्ट प्रिजर्व एक्सेप्शन बिहेवियर इन द सेंस दैट एग्जैक्टली दोज एक्सेप्शन दैट वुड अराइज इफ द प्रोग्राम वर एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑर्डर एक्चुअली डू अराइज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं या उन एक्सेप्शन को एंटरटेन करता है जो कि आपके डायरेक्ट प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में प्रोग्राम की एरर्स हैं उनको आप हैंडल करते हो, अदरवाइज़ जो आपकी आउटर मतलब एरर्स हैं, ठीक है, या आपके जैसे मेमोरी की कोई एरर है या आपकी कोई डेटा की एरर है, उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो एरर्स होंगी उनको कंसीडर करोगे इन केस ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये इम्प्रिसाइज एक्सेप्शंस हैं जो कि अकर हो सकती हैं बिकॉज ऑफ टू पॉसिबिलिटीज़। कौन कौन सी, जो पाइपलाइन है मे हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड इंस्ट्रक्शन दैट आर लेटर इन प्रोग्राम ऑर्डर दैन द इंस्ट्रक्शन काउजिंग द एक्सेप्शन। अब जो पाइपलाइन के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो पाइपलाइन ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुकी है, एग्जीक्यूट कर चुकी है, जो कि आपके प्रोग्राम ऑर्डर में बाद में आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो पाइपलाइन नेक्स्ट है, पाइपलाइन में हैव नॉट येट कम्प्लीटेड सम इंस्ट्रक्शंस दैट आर अर्लियर इन प्रोग्राम ऑर्डर दैन द इंस्ट्रक्शन काउजिंग द एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये एक तो बात वो हो गई कि आप पाइपलाइन में पहले से ही एग्जीक्यूट हो गए जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर बाद में आए हैं। अब एक चीज़ ये है कि प्रोग्राम के अंदर पहले आए हैं, पाइपलाइन में उसको अब तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए अपनी इनपुट, वो इनपुट उनको मिल नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्शन देंगे। जैसे आप एक फंक्शन बनाते हो, उस फंक्शन के अंदर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना होते हैं, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देना होती है, ठीक है। अब जब आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे ही नहीं पा रहे हो तो वो फंक्शन तो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, ठीक है, या एग्जीक्यूट नहीं होगा या आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। टू अलाउ, इसके आगे है टू अलाउ आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन वी एसेंशियली स्प्लिट द आईडी पाइप स्टेट ऑफ आवर सिंपल फाइव स्टेट पाइपलाइन। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी जो पाइपलाइन है उसकी आईडी पाइपलाइन स्टेज को क्या करते थे, स्प्लिट कर देते हैं टू पार्ट्स में, एक तो होता है इशू, एक होता है रीड ऑपरेंड, ठीक है। इशू के अंदर क्या है, डिकोड इंस्ट्रक्शन, हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, चेक फॉर स्ट्रक्चरल हजार्ड्स, ठीक है, इन इशू। रीड ऑपरेंड में क्या करते हैं, वेट अंटिल नो डेटा हजार्ड्स देन रीड ऑपरेंड। रीड ऑपरेंड में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई कोई डेटा हजार्ड तो नहीं हो रहा है, और अगर डेटा हजार्ड नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम ऑपरेंड्स को रीड कर लेते हैं, ठीक है। और इशू के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। इन अ डायनेमिक शेड्यूल पाइपलाइन ऑल इंस्ट्रक्शन पासेस थ्रू द इशू स्टेज। जाहिर सी बात है, अब आपको पाइपलाइन के अंदर मैंने आपको बताया ही था कि आप जो भी आपको इंस्ट्रक्शन यूज़ करना होगा, जाहिर सी बात है उसको आप फैच तो करोगे ही करोगे, और फैच करोगे तो उसको डिकोड करोगे, तो डिकोड क्या है, डिकोड इज़ अ पार्ट ऑफ इशू। तो वही कह रहा है कि ऑल इंस्ट्रक्शन पासेस थ्रू द इशू स्टेज इन ऑर्डर हाउएवर दे कैन बी इंस्टॉल्ड और बाईपास ईच अदर इन द सेकेंड स्टेज एंड दस एंटर एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर। अब वो डिपेंड करता है कि भाई सेकेंड स्टेज को वो पास कर रहे हैं या सेकेंड स्टेज को वो सेकेंड स्टेज में जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनका कि वो उसको स्किप कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना।
स्कोरबोर्डिंग इज अ टेक्निक फॉर अलाउंग इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट आउट ऑफ ऑर्डर व्हेन देयर आर सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड नो डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है ना, तो ये एक एल्गोरिथम है, थॉमस सोलूज़ एल्गोरिथम। ठीक है ना, उसका यूज़ करके आप इन जो आपकी ड्रॉबैक्स हैं इनको ओवरकम कर सकते हो डायनेमिक शेड्यूलिंग की।